करनाल में हिंदू समाज से जुड़े लोगों व क्षेत्रीय सभा की ओर से बल्लभगढ़ में नितिका तोमर की हुई सरेआम हत्या के विरोध में जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हाथों में नितिका तोमर को न्याय दिलाओ के बैनर लिए हुए बड़ी संख्या में युवा लघु सचिवालय पहुंचे एवं नारेबाजी करते हुए मृतका नितिका के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। कर्नल देवेंद्र सिंह ने बताया कि बल्लभगढ़ में हुई सरेआम हिंदू लड़की की हत्या से पूरा समाज दहशत में है और इस मामले को फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द हल करने की मांग की गई। कर्नल देवेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदू समाज की लड़की को मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा होते हुए सरेआम कत्ल करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगर सरकार प्रदेश की जनता की रक्षा नहीं कर सकती तो क्षत्रिय समाज आगे आकर स्वयं अपने समाज की रक्षा करने के लिए तत्पर है। उन्होंने इस मामले में राजनेताओं पर राजनीति करने के आरोप लगाते हुए कहा कि हाथरस में बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग पहुंचकर अपनी वोट पक्की कर रहे थे, परंतु हरियाणा में कोई भी मृतका नितिका तोमर के पक्ष में नहीं आ रहा, जो कि बेहद चिंताजनक है। इस मौके पर उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि दोषियों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से मामला चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। इस मामले में उन्होंने हरियाणा सरकार से लव जिहाद के कानून को भी हरियाणा में लागू करने की मांग करते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों पर जो धर्म परिवर्तन के लिए अच्छे हथकंडे अपनाते हैं उन पर नकेल कसने की बात कही। जो निकिता के साथ इतनी दरिंदगी हुई, क्या निकिता हम शर्मिंदा है, हरियाणा के अंदर जिंदा है, निकिता के हथियारों के घोषणा ब्लॉक होना ये बहुत ही बड़ी बात है। मेरी तो ये मांग है एक महीने के अंदर फांसी होनी चाहिए, फांसी के से दूसरी और कोई बात नहीं, केवल और केवल फांसी। कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कहा है निकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, भारत माता की जय। अग्रवाल कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी परीक्षा देकर बाहर निकली थी। वहाँ से निकलने के बाद तौसीफ नाम का लड़का और एक रेहान जो उसका साथी था ये I-20 कार में आए और उस लड़की का अपहरण करने की कोशिश की, धक्के से कार में बिठाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और वो गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठी और उसके बावजूद उन्होंने उसको गोली मारकर वो फरार हो गया। अब ये कहा जाता है कि ये बड़े रसूखदार परिवार का लड़का है। खुर्शीद अहमद जो पहले मंत्री होते थे हरियाणा सरकार में, काफ़ी समय तक MLA भी रहे, उसके बाद में उनके परिवार से और भी MLA हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मंत्री और मंत्री के लड़के को कोई गोली मारने का लाइसेंस दे दिया सरकार ने। और ये आज का मामला नहीं है, ये मामला 2018 से चल रहा है। उस लड़की के साथ पहले भी ये धक्का मुक्की इन्होंने की और उसको एक धर्म परिवर्तन करने के लिए, शादी करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वो जब लड़की नहीं मानी तो उसका अंजाम ये हुआ कि उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और 2018 में ज़बरदस्ती जो है पुलिस ने उनका समझौता कराया, अगर उस टाइम पर वो समझौता नहीं कराया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, चाहे वो कितने भी रसूखदार परिवार के हों। और अभी जो है उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चले और 3 महीने के अंदर अंदर फांसी का फंदा उनके गले में होना चाहिए। और धर्म परिवर्तन कानून जो है कई जगह लागू है लेकिन हरियाणा में अभी लागू नहीं है, वो एकदम लागू होना चाहिए और उसमें कड़े प्रावधान होने चाहिए जिससे कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिले। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज भी ये सुन रहा है, जितने ये राजनीतिक लोग हैं ये अपने वोट बैंक को देखते हैं। हाथरस में जाने के लिए इनका लाइन लगी हुई थी, लाठियां बरसने के बाद भी ये हाथरस पहुंचे क्योंकि वोट बैंक खराब हो रहा था। और आज एक राजपूत समाज की लड़की होनहार लड़की का कत्ल किया दिन दिहाड़े, आज एक भी हरामी वहाँ नहीं गया, इनको इतनी शर्म नहीं है, बड़ी शर्मनाक बात है। और BJP के राज में ये ऐसा हो रहा है, ये तो और भी जो है जो बहुत बुरी बात है, क्योंकि BJP के राज में एक मुस्लिम होते हैं वो इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर और कहीं तो क्यों नहीं करेंगे। और मैं तो अपने समाज से यही कहूँगा कि अगर ये सरकार
असमर्थ है इस बात में कि ये हमारे बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, रक्षा नहीं कर सकती, तो आप अपने कंधों पर ये जिम्मेवारी उठाइए और अपने बच्चों को खुद रक्षा करने में सक्षम हो। आप क्या सब... यही कहना है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, 3 महीने में फांसी का फंदा उनके गले में होना चाहिए। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या अपनी मांग रखते हैं, किससे आप मिलने पहुँचे हैं और क्या करेंगे? अभी हमने DC साहब को ज्ञापन देना था, हमने जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं इसकी कॉपी हम दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, रक्षा मंत्री को भी और होम मिनिस्टर को। हमारी मांग यही है जैसे मैंने बताया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलना चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर सजा पूरी होनी चाहिए, उनकी फांसी का फंदा उनके गले में होना चाहिए और आइंदा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं, और धर्म परिवर्तन का कानून हरियाणा में जल्द लागू होना चाहिए। आपका नाम क्या? कर्नल देवेंद्र सिंह वीर चक्र। आप क्या समझते हैं सर, इन आरोपियों के जो हौसले हैं दिन प्रतिदिन बुलंद क्यों होते जा रहे हैं सर, इनके पीछे किसका हाथ है? नहीं, इसका हाथ तो ये है कि आजकल जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है, पॉलिटिकल सियासी जो दखलंदाजी है वो हर जगह है, और उस दखलंदाजी की वजह से ये जितने भी आरोपी हैं बच जाते हैं सिफारिश लगा के इधर उधर करके। अगर दखलंदाजी ना हो तो ये ऐसे बच नहीं पाएंगे और उस पर अंकुश लगेगा, साथ के साथ समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। इकट्ठा हुआ है और हम DC साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं और मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी उनको फांसी ना दे के जल्दी से जल्दी उनको एक तुरंत प्रभाव से इनकाउंटर किया जाए और उनको सजा दी जाए। तो आज क्या करोगे, ज्ञापन किसको देंगे? ज्ञापन हम DC साहब को देना चाहते हैं। किस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है? एक क्षत्रिय महासभा की तरफ से, ये हिंदू समाज की तरह से, हिंदू समाज से भी इकट्ठा होकर यहाँ पे प्रशासन को ज्ञापन देने आए हुए हैं। क्या मांग है? मांग यही है जल्द से जल्द उनको सजा मिले, फांसी या एनकाउंटर हो, जल्द से जल्द उनका एनकाउंटर हो, फांसी दी जाए उनको जल्द से जल्द। कानून तो ऐसा नहीं कहता, कानून को तो जो उनको कानून का नहीं थोड़ा टाइम देते हैं, हम कानून को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, उसके बाद हम मजबूर हो जाएंगे, हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। जी, क्या नाम आपका? विकुल राणा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.